एक्सरे को एक्सरे क्यों कहा जाता है? दुनिया का सबसे पहला एक्सरे कब और किसने बनाया था? इंटरेस्टिंग बोल में आज ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातों के बारे में जानेंगे। आज के समय में डॉक्टर एक्सरे को विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए उपयोग करते हैं, टूटी हुई हड्डी, निमोनिया, हार्ट फेलियर और बहुत सी अधिक समस्याएं इस एक्सरे मशीन से पता की जाती है। मैमोग्राफी स्तन कैंसर के लिए मानक स्क्रीनिंग विधि एक्सरे का उपयोग करती है। हम इसके बारे में काफी नहीं सोचते, ये इतना साधारण हो गया है। लेकिन इस आविष्कार के पहले जब कभी टूटी हुई हड्डी, कोई ट्यूमर या कोई चीज जो किसी व्यक्ति ने निगल ली हो, यदि ये देखना हो तो उस व्यक्ति को काट कर मतलब सर्जरी करके देखना पड़ता था। विश्व का पहला एक्सरे 8 नवंबर 1895 में जर्मन भौतिकीकार विलहर्म कॉनराड रेंटजन ने बनाया था, जो कि बावरिया के व्यूजबर्ग में भौतिकी के प्रोफेसर थे। प्रोफेसर यह जांच कर रहे थे कि कैथोड रे किसी ग्लास से पार हो सकते हैं या नहीं। उन्होंने जो कैथोड ट्यूब लगाया था उसके ऊपर बहुत सारी काले पेपर की परत लगाई गई थी। इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ जब एक हरी रोशनी उन सारी काली पेपर को पार करते हुए नजदीकी फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर पड़ी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट से यह जाना कि ये रहस्यमयी किरणें अधिकांश पदार्थों से पार करती है, लेकिन सॉलिड वस्तुओं की छाया बनती है। यह खोजी गई नई रहस्यमयी किरणें उनके लिए अनजान थी, इसलिए उन्होंने उसे एक्स नाम देके अपने रिसर्च की किताबों में लिखा। इसीलिए ये आगे जाकर एक्सरे नाम से ही जानी गई। रोएंटगेन ने जल्दी ही पाया कि एक्सरे ह्यूमन टिश्यू से जब गुजरती है तब ये हड्डियों और टिश्यू की परछाइयां बनती है। विश्व का सबसे पहला ह्यूमन एक्सरे विलहर्म कॉनराड रोएंटगेन ने 22 दिसंबर 1895 को अपनी वाइफ का निकाला। आप अपने स्क्रीन पर अभी दुनिया का सबसे पहला एक्सरे की तस्वीर देख रहे हैं। यह अन्ना बर्था रोएंटगेन, जो कि विलहर्म की वाइफ है, उनके लेफ्ट हैंड का एक्सरे है। उनके हाथ में वेडिंग और एंगेजमेंट रिंग देखी जा सकती है। उनकी खोज की खबर दुनिया भर में फैली और जल्द ही यूरोप और अमेरिका के डॉक्टर्स एक्सरे का उपयोग करने लगे। आविष्कार के पहले दशक में ही उसे बंदूक की गोली से हुए फ्रैक्चर, किडनी स्टोन, एक्सीडेंट के टूटी हुई हड्डियां और कोई धातु पदार्थ खाने या निगल लेने, इन जैसी चीजों की जांच में किया जाने लगा।